हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ शिव्स मैथोपीडिया। तो देखते हैं क्या आज का हमारा टॉपिक। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स नियर 100। जब दो नंबर 100 के आसपास हो तो कैसे आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो बिना पेन और पेपर के। जी हाँ, बिना पेन पेपर के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो भी 2 सेकंड में। कैसे? जैसे 95 × 95 9025, 94 × 92 86 48, 117 × 108 126 36, 115 × 108 12420, 121 × 102 12342। आप भी ऐसे बिना पेन पेपर के मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे? चलिए देखते हैं। हम लोग पहले आराम से सीखेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग विदाउट पेन एंड पेपर ट्राई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो आप भी, देखते हैं। लेकिन पहले हम लोग आराम से सीखते हैं कैसे करना है। पहले मैं 100 से जो कम हो गए नंबर उसका बताऊंगा, फिर 100 से ज्यादा। देखिए, नियर 100 मतलब कम भी हो सकता है ज्यादा भी। ठीक है, जैसे 93 × 94 दोनों नंबर 100 के आसपास है। कैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे 100 से कितना कम है। 7, यहाँ पे 7 लिख दीजिए। यह 100 से कितना कम है? 6। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 6 = 42। फिर से देखिए, 100 से कितना कम है? 7। ये 100 से कितना कम है? 6। 7 × 6 = 42। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप, 93 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 93 − 6 = 87। ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से देखिए, 100 से कितना कम था? 7। ये 100 से कितना कम था? 6। 7 × 6 = 42। सेकंड स्टेप, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, डायगोनली माइनस करना, सामने सामने माइनस नहीं कर देना। 94 में से अगर आप 7 माइनस करते तब भी आंसर 87 ही होता। एक और एग्जांपल लेता है, 92 × 97 कितना कम है 100 से? 8। ये कितना कम है? 3। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 3 = 24। सेकंड स्टेप, दिस माइनस दिस, 92 − 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 89। अगर आप इसमें से इसको माइनस करते तब भी 89 ही होता। यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करना या फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, आंसर सेम आएगा। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप टू डिजिट, पहले स्टेप में 2 डिजिट आना चाहिए। देखिए यहां पे पहले स्टेप में क्या आया था? 42। यहां पे क्या आया था? 83 या 24। तो पहले स्टेप में 2 डिजिट आना चाहिए। अगर 2 डिजिट नहीं आता है तो उसको हम लोग 0 डाल करके 2 डिजिट बनाएंगे, अगर सिंगल डिजिट आता है तो। और अगर 3 डिजिट आ जाए तो एक कैरी कर लेंगे, लेकिन हम लोग लिखेंगे 2 ही डिजिट फर्स्ट स्टेप में। अगर मान लीजिए यहाँ पे 99 × 98 हो, ये 100 से कितना कम है? 1। ये कितना कम है? 2। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 1 = 2। लेकिन लिखना हमें 2 डिजिट, तो 2 को हम लोग 2 डिजिट में लिखेंगे तो 02 लिखेंगे। सेकंड स्टेप, 99 में से 2 माइनस कर देंगे, 97। आप इसमें से 1 माइनस करते तब भी सेम आता। ठीक है, अगर 3 डिजिट आ जाए, जैसे 93 × 84 कितना कम है 100 से? 7। ये कितना कम है? 16। पहले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को इंटू कर देंगे, 16 × 7 = 112। और हाँ, आपको टेबल याद होना बहुत जरूरी है, 20 तक का टेबल लर्न होना चाहिए एटलीस्ट। 16 × 7 = 112 होता है, लेकिन लिखना हमें 2 डिजिट है, तो लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे 12 और 1 को कैरी कर लेंगे। सेकंड स्टेप, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, ये ज्यादा इजी, 84 − 7 = 77 और एक कैरी था 78। ये फिर से एक बार देख लेते हैं, ये 100 से कितना कम था? 7। ये कितना कम है? 16। 16 × 7 = 112, लेकिन लिखेंगे सिर्फ 12 और 1 को कैरी कर लेंगे। सेकंड स्टेप, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, तो ये ज्यादा इजी, 84 − 7 = 77 होता है 77 और एक कैरी था 78। कैरी वाला पार्ट को हमको सेकंड स्टेप में ऐड करना। ठीक है, तो ये कैरी वाला भी हो गया। हम लोग कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप खुद से ट्राई करो, पहले वीडियो को पॉज करके फिर मैं उसका आंसर करूंगा, तो आप मैच करा लेना। अच्छा, कहीं पे अगर नहीं समझना है तो वीडियो को उसको रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लेना। और हम लोग लास्ट में विदाउट पेन एंड पेपर भी करेंगे, तो पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप आराम से कर पाओगे। तो पहले कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। मैं कुछ नंबर यहां पे लिखता हूं, 92 × 95
93 into 98, 91 into 89, 84 into 92. आप वीडियो को पॉज करिए और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए और एक मिनट के बाद फिर एक मिनट टाइम लीजिए, क्योंकि चार क्वेश्चन आपको उससे जब आप सीख जाएंगे तो दो सेकंड पर क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन फिलहाल आप सीख रहे हैं तो आई थिंक वन मिनट आपको लग सकता है। ठीक है, आशा करते हैं आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैच कराते हैं। फर्स्ट नंबर 100 से कितना कम है 8, ये कितना कम है 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 5 40। सेकंड स्टेप दिस माइनस दिस 87, आपका आंसर सही होना चाहिए। ये 100 से कितना कम है 7, ये कितना कम है 2, 7 2 14। सेकंड स्टेप 91, 100 से कितना कम है 9, ये कितना कम है 11 जाएंगे 99। सेकंड स्टेप दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस 80, आप किसी को माइनस करके देखिए 80 नहीं आएगा। 16 कम है 8 कम है, 16 8 128। आपको टेबल लाना बहुत जरूरी है, लिखेंगे कितना 28 और 1 कैरी। सेकंड स्टेप दिस माइनस दिस और दिस माइनस, ये ज्यादा इजी है, 84 माइनस 8 76 और एक कैरी था 77। क्लियर फ्रेंड, जहां पे नहीं समझ में आए एक बार रिवाइंड करके देखना। अब हम लोग करेंगे 100 से जो ज्यादा नंबर होगा, जैसे 117 115 112। ठीक है, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग विदाउट पेन एंड पेपर ट्राई करेंगे, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। चलिए तो देखते हैं, 100 से ज्यादा होगा नंबर तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 115 into 103, प्रोसेस सेम होगा। इस बार चेक करेंगे 100 से कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा 100 से 15, ये कितना ज्यादा 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना 15 3 45। जब 100 से कम होता था हम लोग चेक करते थे कितना कम, ये ज्यादा चेक करेंगे कितना ज्यादा 100 से, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। सेकंड स्टेप इस बार हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे 115 + 3 118। उसमें हम लोग क्या किया, जब 100 से कम था तो यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करते थे, ये ज्यादा है तो इसमें इसको ऐड करेंगे। जैसे 112 into 108, ये 100 से कितना ज्यादा 12, ये कितना ज्यादा 8, दोनों को मल्टीप्लाई करते 12 8 96। सेकंड स्टेप इसमें इसको ऐड करना 112 + 8 120। ठीक है, इसमें भी रूल सेम होगा, फर्स्ट स्टेप 2 डिजिट, अगर 3 आ जाए तो 1 कैरी कर लेंगे और अगर 1 डिजिट आएगा तो 0 डाल के 2 डिजिट में लिखेंगे। जैसे 116 into 109, 100 से कितना ज्यादा 16, ये कितना ज्यादा 9, 16 9 = 144। सेकंड स्टेप इसमें हम लोग तो 144 में से सॉरी सिर्फ 44 हमको लिखना, 1 कैरी हो जाएगा। सेकंड स्टेप 116 + 9 और 109 + 16 से नहीं आएगा 125 और एक कैरी था 126। ठीक है, और बार बार मैं बोल रहा हूँ टेबल लर्न होना, ये इत्तेफाक है कि तीनों बार मुझे 16 का ही टेबल मिला, लेकिन ऐसा नहीं 17 18 19, बहुत ज्यादा एटलीस्ट 20 तक का टेबल आपको लर्न होना चाहिए। जैसे 118 into 107 है, 100 से कितना ज्यादा 18, ये कितना ज्यादा 7, पहले स्टेप में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना 18 7 = 126। लेकिन जैसा रूल है हम लोग दो ही डिजिट लिखेंगे, 26 लिखेंगे 1 कैरी, और सेकंड स्टेप ऐड करना 118 + 7 125 और एक कैरी था 126। कितना इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो और इजी लगेगा। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूं और 3 4 क्वेश्चन देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करना। एक चीज ध्यान रखना दोस्त, जब भी कोई एजुकेशनल कंटेंट देखो हाथ में पेन और पेपर होना जरूरी है। जब आप सीख जाएंगे तो विदाउट पेन एंड पेपर कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन सीखते समय आपके पास पेन और पेपर होना जरूरी है। जैसे 112 into 107, 115 into 104, 123, अभी आपको 23 वगैरह हो सकता प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं नंबर को, 106 into 117, 114 into 109। आप वीडियो को पॉज करिए और 1 मिनट का समय लीजिए और इसको सॉल्व करिए, और फिर मैं जब सॉल्व करूंगा तो आंसर मैच कराना। ठीक है, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिए मैच कराते हैं।
ये 100 से 12 ज्यादा, ये 100 से 7 ज्यादा, 12 7 जा 84। सेकंड स्टेप इसमें इसको ऐड कर देना, 112 प्लस 7 119। ये कुछ ज्यादा इजी है, 100 से ज्यादा वाला नंबर 100 से कम वाले नंबर से ज्यादा इजी होता, बिकॉज यहाँ पे हमको दिखता है कितना ज्यादा, जो 90s वाला 80s वाला होता है वहां पर माइनस करके हमको पता करना होता है, ये दिख रहा है कितना ज्यादा, 15 4 15 4 16। सेकंड स्टेप इसमें इसको ऐड कर देना, 115 प्लस 4 119। 100 से कितना ज्यादा 6, ये कितना ज्यादा 17। देखिए सर कैरी आएगा, कैरी वाले में ध्यान रखना, कैरी वाला पार्ट हमेशा आपको सेकंड स्टेप में ऐड करना होता है। 17 6 102, लेकिन लिखना है दो ही डिजिट 02 और 1 कैरी। सेकंड स्टेप 117 प्लस 6 123 और एक कैरी था 124। 100 से कितना ज्यादा 14, ये कितना ज्यादा 9, 14 9 जा 126, लिखेंगे कितना 26, 1 कैरी। सेकंड स्टेप 114 प्लस 9 123 और एक कैरी था 124। चलिए अब हम लोग विदाउट पेन एंड पेपर ट्राई करेंगे, पहले एक में बता देता हूं कैसे करेंगे। सिंपल है, काम वही होगा, बस आपको लिखना नहीं है, उस चीज को माइंड में स्टोर करना है। जैसे 107 इंटू 108 बहुत इजीली कर सकते, जो काम हम लोग पेन पेपर पे कर रहे, तो वही आप विदाउट पेन एंड पेपर करेंगे। ये 100 से 7 ज्यादा, ये 8 ज्यादा, तो यहाँ पे लिख के आपको नहीं रखना, वो दिमाग में आपको इंटू करना, 7 8 56, लास्ट टू डिजिट आ गया 56, ये लास्ट टू डिजिट अभी मिला। अब उससे पहले क्या है, देखो ये 107 इसमें जो 8 ज्यादा इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 115, और 56 स्टोर था माइंड में, 115 56। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन आराम से आप कर सकते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद। 109 इंटू 106, तो ये 100 से 9 ज्यादा, 54 आपको दिमाग में रखना, 109 प्लस 6 115 और 54 दिमाग में था 115 54। ठीक है, 103 इंटू 117, देखिए ये 3 ज्यादा है 17 ज्यादा, 17 3 जा 51 आपको लास्ट में लिखना याद रखिएगा। सेकंड स्टेप क्या था, 103 प्लस 17 120, 117 प्लस 3 1, या तो इस 3 को यहां पे ऐड कीजिए या तो 17 को इसमें ऐड कीजिए, और वो का माइंड में करना, तो 117 प्लस 3 120, और हमें याद है कि 51 स्टोर था लास्ट में, तो 120 51। ठीक है, अब आप ट्राई करेंगे 104 इंटू 116, आप ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करिए, 10 सेकंड लगे, हो सकता गलती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। आपका आंसर आया होगा 1012064, अगर ये आंसर आया तो बिल्कुल सही है, 116 प्लस 4 120, 16 4 64। ठीक है, एक और नंबर 105 इंटू 113, आप वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, गलत हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आंसर आ चुके हैं ऐसा मुझे लगता है। 11865, क्या आपका आंसर इतना आया, 113 प्लस 5 118 और 13 5 65। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कैरी नहीं आया था, जब कैरी आएगा तो हो सकता है आपको छूट जाए, कैरी वाला पार्ट ऐड करना होता है। जैसे 117 इंटू 108, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार कैरी वाला पार्ट छूट जाता है, ये ध्यान रखना आपको, 17 8 36, लेकिन लिखना आपको 36 है और 1 वाला पार्ट ऐड होगा। ठीक है, 117 प्लस 8 125 और एक कैरी वाला पार्ट ऐड होगा, 126 और 36। आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, लेकिन आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। फिर से देखिए, ये 100 से 17 ज्यादा 8 ज्यादा, माइंड में कैलकुलेट किया, 17 8 136, लेकिन हमें 36 लिखना, 1 को कैरी करना है, 117 प्लस 8 125 और एक कैरी था 126 36। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगा जब 90s वाला होगा, क्योंकि वहां पे 100 से कितना कम वो दिखता नहीं, यहां पे हमें दिखता है कितना ज्यादा, तो 90s वाला में इससे थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ये आप अभी कर पाएंगे, 90s वाला में थोड़ा सा और प्रैक्टिस लगेगा। जैसे 93 इंटू 97, ये 100 इसमें गलती ज्यादा होता है, आप ध्यान रखिए जब आप घर पे ये कैलकुलेट करेंगे, इसमें आपका गलती कम होगा, इसमें गलती ज्यादा होगा, तो ये 37 या 21 यहाँ पे गलती नहीं होगा, सेकंड स्टेप में आप गलती कर देंगे। देखिए 97 है, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट कितना करना, 7 7, क्यों, क्योंकि ये 100 से 7 कम है, ये डिफरेंस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, ये 100 से 3 कम है, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसमें अगर 7 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 90 होगा। ठीक है, फिर से देखिए,
86 इंटू 93, ये 100 से कितना करना 14, ये कितना करना 7, 14 7 जा 98, दिमाग में आया कि 98 लास्ट में आ रहा। सेकंड स्टेप क्या, यहां से जो नंबर डिफरेंस 100 से वो यहां पे सबट्रैक्ट हो, ये 100 से कितना करना 7, ये 7 यहां पे का सबट्रैक्ट कर दे 79, और 98 लास्ट का 7998। आप सोच रहे मैं इतना जल्दी कैसे कर रहा, ये प्रैक्टिस और कुछ नहीं है, आप भी इतना ही जल्दी कर सकते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद। एक और करते हैं, 93 इंटू 91, ऐसा कुछ हम नहीं किए, चलिए ठीक है। ये कितना करना 100 से 7, लेकिन दिमाग में रखना, लिखना नहीं, ये कितना करना 9, 7 9 जा 63, लास्ट का 2 डिजिट याद रखना 63 है। सेकंड स्टेप, ये 100 से 9 का में ये 9 यहां पे सबट्रैक्ट होगा, या फिर ये 7 का में ये 7 को यहां पे सबट्रैक्ट करना, तो ये 7 को जब यहां पे सबट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 91 में से जब 7 माइनस होगा 84, और लास्ट 2 डिजिट हमें याद 63 आया था 8463। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप, हो सकता है आपको ये लग रहा है कि मैं इतना फास्ट कैसे कर ले रहा हूं, ये प्रैक्टिस है। सबसे पहले आप पेन पेपर के साथ करना स्टार्ट करिए, उसके बाद विदाउट पेन एंड पेपर पहले 100 वाला प्रैक्टिस करिए, ये इजीली हो जाए 100 वाला। ठीक है, फिर उसके बाद 90s वाला, मतलब 100 से पहले जो ग्रेटर नंबर उसको पहले ट्राई कीजिए विदाउट पेन एंड पेपर, ये आप कर लेंगे इजीली। फिर उसके बाद जब ये आपका विदाउट पेन एंड पेपर आप कर सकते हो, उसके बाद आप 100 से जो लोअर नंबर से 90s वाला 80s वाला फिर इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, उसमें देखेंगे यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किए थे, नियर 100, मतलब जो 100 के आसपास था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जो 100 के नियर नहीं है, जैसे 42 इंटू 83 या 72 इंटू 65। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।